अवैध खाद भंडारण और बिना लाइसेंस उर्वरक बिक्री पर दुकान सील, कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और कृषि विभाग ने की कार्यवाही। अब तक 34 कृषि केंद्र संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में 9 जुलाई को अवैध रूप से खाद उर्वरक का भंडारण और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही अभियान चलाया गया। राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई करते हुए बिर्रा में 2 दुकानों को सील किया है। खाद का अवैध भंडारण और बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री पाए जाने पर नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है तथा 34 कृषि संचालकों को नोटिस भी थमाया गया है। कलेक्टर श्री सिन्हा के निर्देश अनुसार एवं उप संचालक कृषि MR तिग्गा के मार्गदर्शन में जिले के उर्वरक बीज कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा जिले के सभी कृषि केंद्रों में निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर अब तक 34 कृषि केंद्र संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान 645 बोरी यूरिया अघोषित परिसर में भंडारण पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश खंड 7 प्राधिकार ज्ञापन A1 शर्त क्रमांक में सर्फ का विक्रय स्थल सील बंद किया गया है। कलेक्टर सिन्हा जिले के किसानों को फसल उत्पादन के लिए खाद बीज की समस्या ना हो इसके लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। गत वर्ष की तुलना में खाद बीज का भंडारण अधिक होने के साथ ही किसानों को इसके वितरण के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने वर्मी खाद की पर्याप्त उपलब्धता और फसल उत्पादन में इसकी उपयोगिता को भी बताते हुए सहकारी बैंक प्रबंधकों और सोसाइटियों के सदस्यों को निर्देशित किया है। उन्होंने अवैध रूप से खाद भंडारण और उर्वरक बिक्री करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।